गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बेटा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग रिलेटिव करेंगे आज क्या जी रिलेटिव करेंगे आज पैराबोला करेंगे ना ओके सर सर आपने उसमें एलिप्स देख रखा था इसलिए पूछ रहा हूँ ना 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 पहले बोला करेंगे आज आपके कुछ डाउट क्वेश्चन ले लेते हैं पहले उसमें एलिप्स के क्वेश्चन भी हैं एंड देन वी डू पैराबोला यस सर डाउट आपके रह जाते हैं हर बार यस सर डिंग 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 नीचे से शुरू करते हैं आप थोड़े थोड़े ले लिया करो हर क्लास में हाँ ठीक है और आप अपने डाउट उस पे ही पोस्ट किया करो ग्रुप पे ओके सर है ना अदर्स विल वर्क आउट चलो जी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है होते ही बड़ा खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन है ना इफ पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द एलिप्स विद एफ वन एंड एफ टू एज फोकस इफ ए इज द एरिया ऑफ पी एफ वन एफ टू then the maximum value of a is others आपने सबने ट्राई किए क्वेश्चंस चलो नहीं किए तब भी कुछ नहीं ना लेट्स ट्राई देम नाउ तो बेटा ये आपका जो एलिप्स है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसके है जब जो एलिप्स है आपका दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और ओरिजिन जो है सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है ना अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि F1, F2 फोकाई हैं ये आपका F1 है ये F2 है दिस इज फोकाई एंड इज द एरिया ऑफ पी एफ वन एफ टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज अगर मैंने यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट ले लिया दिस इज पॉइंट P इज देयर दिस इज P दिस इज F1 दिस इज F2 एंड इट्स आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एरिया अब देखो अच्छे से क्वेश्चन क्लियर है आपको यस सर ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट बेस इनटू हाइट है ना बेस तो यहाँ पर फिक्स्ड है कितना है बेस बताओगे मुझे 2c है ना और हाइट हाइट इज दिस हाइट स्क्वायर बाय ये हाइट होती है अच्छा सॉरी हाइट है ना अब आपको अगर एरिया मैक्सिमम करना है तो हाइट मैक्सिमम करनी पड़ेगी हाइट मैक्सिमम कब होगी व्हेन पी इज हियर पॉइंट बी पे यस सर यस सर तब भी होगा जब ये यहाँ पर होगा तभी मैक्सिमम हाइट होगी और ये हाइट कितनी है बी बी तो बी ठीक है तो आपका आंसर कितना आ गया बी सी नाउ मैंने भी यही किया था सर उसमें सर कुछ और दे रखा था मतलब जैसे आपने पहले वहां पे जब पी ले रखा है ना उसने उसने वहां पे ले रखा था वो फिर इसलिए मैंने भेजा था किसने ले रखा था सॉल्यूशन सॉल्यूशन यस सर अच्छा ठीक है अब मैं आपको एक थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज दे देता हूँ शॉकिंग न्यूज क्या है कि जो ऑफिशियल जो गाइड मतलब वो है ना आपका जो एब्रीविएशन जो सिंबल्स यूज होते हैं उसमें सी आपको कहीं नहीं मिलेगा सर ए ही मिलेगा आपको ऑप्शंस में ए बी या फिर ई की टर्म्स में मिलेगा सी कहीं नहीं मिलेगा है ना बट आई लव टू यूज सी है ना सी में मतलब कॉन्सेप्ट हमारे कोई पंगे थोड़ा ना जहाँ सी दिखा आपको तो आपको पता ही है कि बेटा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आप रिप्लेस कर दें सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सी इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पर ऑप्शंस जो होंगे पहले जो है ना सब्जेक्टिव पेपर होता था ठीक है
और अब ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑप्शंस आपको एबीसी के टर्म्स में मिलेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रूट बी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। ओके सर, है ना। आई होप आप इस चीज को एंजॉय करेंगे कि मेन में दो चार क्वेश्चन मिलेंगे आलतू फालतू मिलेंगे तो वो छोड़ देंगे, बट बाकी 90% जो है ना सब इजी इजी से ही होते हैं। ओके ठीक है, देख लो, डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। आगे देख लेते हैं फिर क्वेश्चन। एन एलिप्स विद फोकाई एट 0 to 0, -2 एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4 पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर नहीं है, मतलब गलत आ रहा था, पता नहीं क्यों। अच्छा, आंसर को मारो गोली, पहले सिर्फ ये देखते हैं ना, पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें मतलब ही नहीं है। हम अब पहले क्या चाह रहे हैं कि हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इक्वेशन निकालेंगे, पहले इक्वेशन निकालेंगे। अब ये देखोगे तो 0 to 0, -2 है ना। यस सर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है एलिप्स कैसा बन जाएगा, हाँ वर्टिकल बन जाएगा हॉरिजॉन्टल की जगह पर, है ना। अब यहाँ पर गिवन नहीं है, बट मेकिंग इट आउट कि पहला ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट ये कि ये ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट पे फोकाए हैं, तो जो ओरिजिन सेंटर है वो ओरिजिन पर लाई करेगा और ये आपका हो गया 0, -2 and 0, -2 है ना। हाँ जी, सी आपका 2 आ गया। मैंने कहा था चार वेरिएबल हैं ए बी सी एंड ई, सी आपको मिल गया दैट इज 2। बी भी आ जाएगा सर, एंड माइनर एक्सिस माइनर बी ए नहीं होगा, 4 2, 0। हाँ जी हाँ जी सर, 8 होगा। 8 कैसे होगा, माइनस 8 होगा। हाँ जी सर, 8 होगा ना, 8 होगा कह रहे हो आप? यस सर। सर ए माइनर एक्सिस है ना इस वाले केस में? ना 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 ना, हमेशा मेजर एक्सिस, ए इज ऑलवेज मेजर एक्सिस। भाई क्या कर रहे हो? अच्छा हाँ सर, ये वाले पॉइंट जो है ये ए कॉमा, ये 0, a है ना, ये पॉइंट इज 0, -a। ए तो गिवन ही नहीं है यहाँ पर हमें, हाँ अलबत्ता बी जरूर गिवन है कि ये जो लेंथ है ना 2, 0, हाँ ये 4 है तो ये 2, 0, तो बी आपका 2 हो गया। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस सर, रूटेड हो जाएगा, 2√2, 2√2, ए बी सी आ गया, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। अब देख लो पॉइंट कौन सा पास कर रहा है कौन सा नहीं, थर्ड वाला कर रहा है। थर्ड वाला तो नहीं करता नजर आ रहा, 2 आ जाएगा LHS में थर्ड वाले में तो। समझे, फर्स्ट वाला कर रहा है, थर्ड वाला ही करेगा? नहीं, फर्स्ट वाला कर रहा है सर, वो स्क्वायर भी तो होगा। हाँ स्क्वायर करके ही तो कर रहा हूँ मैं सर, वो 4/4 आ जाएगा फिर सर, 2√2 का स्क्वायर तो 8 होता है ना, हाफ प्लस हाफ हो जाएगा ना तो 1। यस सर, तो आप सी बोल रहे हैं आंसर? यस सर, 8 होगा सर, वो 2 हो जाएगा। यस सर, सॉरी सर, 2 हो जाएगा। यस सर, सॉरी सर, नहीं दैट्स ओके, पर वो मेजर माइनर एक्सिस में कंफ्यूज हो गया। अच्छा, अरे पर बता दोगे क्या क्या चेंज हो जाता है उसमें जब सर वाई के अलोंग मेजर हो जाता है? देखो अगर वाई के अलोंग हो जाता है ना, ठीक है, अगर ये चीज वाई के अलोंग हो जाती है, ठीक है, तो आपकी जो इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन में आपकी इक्वेशन क्या है, वैसे तो नॉर्मल ये इक्वेशन होती है ना, ए स्क्वायर प्लस y square by b square equals to 1। Yes sir। Equation में जो change आएगा, मतलब जहाँ जितने भी equation और formulas में change आएगा, that change will be replace x with y
एंड वाई विद एक्स, दैट्स इट। ठीक है, जहां पर आपका आंसर अगर ए कॉमा जीरो होना था तो अब आंसर आपका जीरो कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली इक्वेशन में एक्स को वाई से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ये अब आपकी जो है जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, जितने भी एबीसी वाले फॉर्मूले हैं दे विल रिमेन सेम। आपका जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए बाय ई होता है ना, रो बाय इज इक्वल टू होता है, दैट विल बिकम वाई इज इक्वल टू ए बाय ई, दैट्स इट। आपका फोकाई क्या होता है, फोकस जो है वो सी प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, नाउ इट विल बिकम जीरो कॉमा प्लस माइनस सी। ओके सर, ठीक है, सिर्फ इतना ही चेंज आएगा, x की जगह पर y, y की जगह पर x, दैट्स इट। एब्सिसा विल बिकम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट विल बिकम एब्सिसा। ओके सर, तो सॉल्यूशन में सर कंफ्यूज कर दिया था पूरा, अरे वाले कांसेप्ट को नहीं तो आप अपने एंड उसमें a और b को क्या कहते हैं इंटरचेंज कर दिया, इसलिए सर कंफ्यूजन आ गया। ओके, इसकी किसने ज्वाइन किया है, आदित्य हंस बेटा, क्लास 7708 पर होगी आपकी। ठीक है जी, यहाँ तक? यस सर। ओके, तो जी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, बट सिर्फ प्रॉब्लम मैं बता दूं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको एक स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ, आरडी शर्मा में थोड़ा सा अलग हटकर मिलेगा, है ना, आर एस अग्रवाल में थोड़ा अलग हटकर मिलेगा, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग मिलेगा आपको, सब चीज सब बता सेम चीज रहे हैं, तो आपको अपना एक स्टाइल फॉलो करना है, आपको अपना एक वे फॉलो करना है। ओके सर, एंड स्टिक टू दैट, सो यू विल गेट कॉन्फिडेंस इन दैट। ओके सर, The length of latest rectum for ellipse, this is, ये भी IIT का question है क्या? सर exemplar का। Exemplar का है। तो भाई पहले इसको standard form में convert कर लो। 12 से divide कर। हाँ जी, 12 से दोनों side divide कर देते हैं। तो x square by 4 plus y square by 12 is equals to 1. Chat box में type करो यहाँ पर a कितना है? फटाफट। Chat box. हाँ जी, सिर्फ दो लोग ही बोलते हैं क्लास में और दो ही आंसर आए हैं, बट दैट्स ओके। विजय आपने गलत कर दिया, ए जो है वो मेजर एक्सिस होता है जो बड़ी वैल्यू होती है ना, यहाँ पर अमंग 4 एंड 12, 12 इज बिगर, तो ये वर्टिकल वाला एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है बेटा। तो दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 12 का स्क्वायर, है ना, इज वन। तो ए आपका जो है वो रूट 12 आ गया है, बी जो है वो आपका 2 आ गया है। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 2b square upon a, तो दैट्स इट। सो दिस बिकम्स 2 इनटू 4 अपॉन 2 रूट 3, सो आंसर इज 4 रूट 3। अरे इसमें भी एक में कंफ्यूजन आई होगी, डायरेक्ट बस फॉर्मूला डलता है ना, दिमाग कहीं नहीं लग रहा इसमें। देखो टेंजेंट करके भी दे रखा था टॉपिक, पर उसमें क्या होगा? हाँ टेंजेंट सीबीएसई में नहीं है आपका, है ना, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगा, सर्कल का टेंजेंट बता दूंगा, बहुत ईजी है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, मतलब ना जो फॉर्मूला निकल के आता है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट का, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। हाँ सर, वो मैंने सर देखा था, लिख भी रखा है लेकिन भूल गया। क्या चीज सर? टेंजेंट के इक्वेशन तो सर मुझे मिल ही नहीं सर, मतलब सर यूज ही नहीं हुई। कौन सी इक्वेशन? पैरामेट्रिक वाली भी करा दो सर, पैरामेट्रिक और टेंजेंट के इक्वेशन कहीं यूज ही नहीं हुए, मतलब पीवाईक्यू में। हाँ लेंथ ऑफ टेंजेंट
वही वो डिपेंड लेंथ ऑन टेंजेंट नहीं सर, टेंजेंट के क्वेश्चन जो होते हैं सर वो. हाँ ओके टेंजेंट वाला एक बार बता देता हूँ आपको. ठीक है ये सर्कल है बेटा आपका. ठीक है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है बताओ मुझे. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2 प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना, ये इक्वेशन होती है. यस सर. इसमें रेडियस किसके इक्वल होता है सर? g स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस c का रूट. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर रूट. ठीक है अब क्वेश्चन क्या है कि आपको ये इक्वेशन ये सर्कल गिवन है और बाहर में कोई एक रैंडमली पॉइंट गिवन है. दिस पॉइंट इज गिवन एज एक्स वन वाई वन. ठीक है इट्स आस्किंग कि इस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टेंजेंट की लेंथ क्या होगी. क्वेश्चन क्लियर है? यस 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 सर. तो बताओ भाई क्या किया जाए सर. इसमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें बी पॉइंट दिया हुआ है. हमें पॉइंट बी गिवन है जहां से टेंजेंट ड्रॉ करनी है सर. हम रेडियस हमें रेडियस पता है, हमें बी पता है, फिर हम बातों करो सर, हम लगा कर निकाल लेंगे. हाँ बस सिंपल भाई. यहाँ पर आपको जो है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ मुझे. सेंटर ऑफ सर्कल जी और एफ. ना ना जीरो कौन सा जीरो? नहीं तो सेंटर जी और एफ ही तो होता है. जी एफ होता है पक्का? हाँ माइनस सी माइनस एफ. ठीक है रिवाइज करते रहो साथ साथ में सभी. यस सर ओके. ये लेंथ हमें गिवन है ऑलरेडी है ना. दिस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और ये जो ओ बी की लेंथ है वो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. तो हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, हमारे पास आ रहा है ओ बी स्क्वायर. ये हमारा परपेंडिकुलर होता है. ओ बी स्क्वायर प्लस सॉरी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर है ना. ओ बी स्क्वायर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस विल बी एक्स वन प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस एफ का स्क्वायर इज ओ ए स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस ए बी स्क्वायर. चेक कर लें यहाँ तक. ठीक है यस सर. इसको आप टाइम निकाल के सॉल्व करें. यू विल गेट दिस एज लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ. ये आपका जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आ जाएगी यहां पर. सिर्फ x की जगह पर x1, y की जगह पर y1. यस सर यही था है ना. इंटरेस्टिंग इक्वेशन. यस सर. लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया आपका. ठीक है अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बस ये इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पर आप फॉर्मूला डालें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालें. यस तो वैसे मैं एलिप्स में पूछ रहा था टेंजेंट का. हाँ एलिप्स का भी टेंजेंट का होगा देख लेंगे अभी. ओके सर.
डिंग 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 डन डन सर एक सेकंड ओके टेक योर टाइम सर हो गए सर डन डन ओके जस्ट अ मिनट ओके द इक्वेशन ऑफ एलिप्स whose focus is 1 comma minus 1 directrix is this and eccentricity is this isme kya problem aayi bhai khushagra ellipse ki do definition ki thi humne hai na yes sir to dusri definition kya ki thi humne sir distance ratio constant a ke barabar hota hai हाँ ये आपका जो एलिप्स है इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स है ये आपका फोकस है ना तो ये जो आपका रेशियो है ये ई के बराबर होगा दिस इज एस दिस इज पी दिस इज एम तो एस पी अवर पी एम इज इक्वल टू ई एंड दिस इज लेस देन वन ठीक है अब इसको जो है आपने पी को आप क्या लेते हैं एक्स कॉमा वाई लेते हैं ना तो आप एस पी निकाल लें एस कितना है आपका वन कॉमा माइनस वन है तो एस पी कितना हो जाएगा आपका तो बेसिकली दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं ठीक है तो एस पी स्क्वायर इज एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का स्क्वायर इज ई स्क्वायर इज वन बाय फोर एंड पी एम स्क्वायर पी एम कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द लाइन सो दैट विल बी एक्स माइनस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर का स्क्वायर तो रूट ऑफ टू का स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई आपकी इसको सिंप्लीफाई कर लें देख लें कौन सा उसमें मैच कर रहा है ओके सर सभी एक बार देख लें बेटा अच्छे से है ना तो एलिप्स की दो इक्वेशन है नॉर्मली दिस इज मेन वन दैट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ लाइन ऑफ एनी पॉइंट ऑन एलिप्स इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज व्हाट इज ई इज देयर ये वाले के सोचे नहीं इसलिए नहीं ओके ये आई थिंक लास्ट क्लास में हमने लिए थे क्वेश्चन ना दो तीन यस सर यस सर Done, done. Yes, sir. Yes, sir. Okay. हाँ जी ले लें दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं ना ओके सर द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस y माइनस वन स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू वन externally and also touches the x-axis is okay ये आपका x-axis है locus of center of circle y equals to 1 x equals to 0 x equals to 0 and y is 1 ये center of the circle हो गया locus of center of circle which touches this equation and this is equals to 1 तो ये आपका एलिप्स होगा ना एलिप्स क्यों होगा भाई सर्कल है तो नहीं मतलब वो जो लाइन आएगी मतलब x - 1 का स्क्वायर
y minus 1 का square plus x result है. हाँ, that is a circle. Circle का नहीं हुआ formula होता. अच्छा हाँ. 1 comma 0 comma 1 हो जाएगा ना. हाँ. Yes sir. है ना, and touches the x-axis. तो हम कौन से किसकी बात कर रहे हैं हम, या तो ये हमारा acceptable है circle, या फिर ये सर्कल एक्सेप्टेबल है ना, ये सारे सर्कल एक्सेप्टेबल है ना हमें. यस सर. आल्सो टचेस इज द लोकस ऑफ द सेंटर, हमें इनके सेंटर के लोकस निकालना है. तो ये हमारे सेंटर्स हैं, है ना. इन सेंटर का जो लोकस है वो शायद कुछ ऐसे करके जाएगा, है ना, जितने भी सर्कल हमारे वेरीफाई कर रहे हैं, जो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं. एग्रीड ऑन दिस? यस सर. अब यहाँ पे ये सर्कल यहाँ पर ऐसे आएंगे, या फिर ये सर्कल यहाँ पर भी तो आ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके सर्कल आएंगे. यस सर. ठीक है ना. द लोकस ऑफ सेंटर सर्कल विच टचेस दिस एंड दिस इज ओके. तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वी आर टॉकिंग अबाउट, भाई दो वेज में हम कर सकते हैं इसको ना, या तो हम ये कर सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो एक बार डालकर देख लें, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर है. ठीक है, वैल्यूज डालकर देख लें इसका क्या मतलब है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये वाला सर्कल जो है ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, है ना. yes, ये जो सर्कल है इसका सेंटर क्या होगा, ये वन यूनिट है, ये वन यूनिट है, तो ये सेंटर कितना हो जाएगा बताओ सर. 2, 0 है ना. अब 2, 1 देखो कहाँ कहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, isn't it? मतलब जो लोकस है, जो भी लोकस की इक्वेशन बनेगी उसमें 2, 1 शुड सेटिस्फाई. तो शायद ए में कर रहा है, ए में कर रहा है वो, तो ए इज द आंसर. बट कोई और मेथड नहीं करने का, कोई और भी है मैं बता दूंगा, बट ये मेथड समझो आप मैं जो कह रहा हूँ. ये आपसे पूछ रहा है कि उन सब वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ लाई करेंगे, है ना, उसकी इक्वेशन पूछ रहा है. और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट्स को मैं कह रहा हूँ छोड़ो मारो गोली सारे पॉइंट्स को. ऐसा करते हैं एक एक पॉइंट फाइंड कर लेते हैं मैनुअली और वो देख लेते हैं वो पॉइंट जो है वो पक्का उस लोकस में लाई करेगा ना, तो उस पॉइंट को उस लोकस में डाल डाल कर देख लेते हैं, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे ऑप्शन रिड्यूस डाउन हो रहे हैं, है ना. Yes sir. And we can get our answer. Okay sir. ठीक है जी, समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes sir. अब आप अगर प्रॉपरली इसमें पूछेंगे कि सर प्रॉपरली क्या होगा, ठीक है, तो इसमें प्रॉपरली देखो लोकस कैसे हम फाइंड करते हैं. कोई भी एक यहाँ पर अगर मैं सर्कल ले लूँ जो इसको टच कर रहा है और इसको भी कर रहा है ना, इस सर्कल के सेंटर को मैं क्या लूँगा, h, k. इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, हेलो सर, h2 + k2 करूँ. नहीं नहीं सर, नहीं सर, एक मिनट, वो तो ये हो जाएगा बेटा. यस सर, यस सर. बाकी क्या हुआ भाई, सो गए? हेल्प करो खुशागरा की, वो केला पड़ गया. ये जो सर्कल ड्रॉ किया मैंने उसका रेडियस कितना है, तो 1 - k ना, ये लेंथ कितनी है बताओ मुझे, h, 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 h
ठीक है, अगर मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछूं, अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं बेटा, तो ये डिस्टेंस जो है ना, वैसे देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है प्लस जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। यस सर। ठीक है जी। यस सर। और ये चीज अगर लेफ्ट में जाएगी तो प्रॉब्लम कर देगी ना, के नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम मॉडुलस दे देते हैं कि के को हमें पॉजिटिव लेना है हर बार। ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट से भी तो ले सकते हैं हम। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस के माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, के की जगह पर एच की जगह पर एक्स, के की जगह पर वाई डाल लें, यू विल गेट योर इक्वेशन। ओके सर। ये लोकस का मतलब क्या होता है कि जो आपको गिवन कंडीशन है, तो उस गिवन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन लेकर आप कोऑर्डिनेट्स को एच और के माने और उसके देखें वो किस चीज को सेटिस्फाई करेगा, कि भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो हर बार जो है वो गिवन क्वेश्चन की गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके सर। यस सर। Two circles with equal radii are intersecting at the point 0, 1 and 0, comma minus 1. बेटा ये एक मिनट है ना, 10th की स्टूडेंट्स परेशान कर रहे हैं। ओके, द टेंजेंट एट द पॉइंट 0, 1 इज ऑफ वन ऑफ द सर्कल इज दिस, है ना, देख लेते हैं। तो ये आपके पास टिंग टिंग एक सर्कल, दूसरा सर्कल, I think two circles of equal radii are intersecting at the point this. These points are 0, 1 and this point is 0, minus 1. The tangent of the point 0, 1 of one of the circle passes to the center of the other circle. Dono congruent hai. So ye keh raha hai yahan par is point ki jo humne tangent draw ki, ye tangent jo hai pehle circle ke center se pass karegi. तो दूसरे के केस में भी सिमेट्रिकली ऐसे ही होगा, ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। ठीक है, अब ओके सर, पहले सर्कल के रिस्पेक्ट में ये तो रेडियस हो गया और दूसरे सर्कल के रिस्पेक्ट में ये जो चीज है ये टेंजेंट हो गई, है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दी सर्कल्स इज, ये हमें गिवन है, ये तो 2 यूनिट है। यस। सेंटर अगर हम दोनों दो सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, देन इट विल बाइसेक्ट द कॉमन कॉर्ड, मानते हैं इस बात को। यस सर। अगर मैं इसको आर ले लूं, इसको आर ले लूं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर, अगर हम नीचे वाले पॉइंट से जोड़ देंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। हाँ, ये भी बात सही है, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, रोम्बस हो गया विद वन ऑफ द एंगल एज अ 90 डिग्री, तो ये एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में एक डायगोनल जो है वो 2 यूनिट का है, तो दूसरा डायगोनल वो भी 2 यूनिट का होगा। बट
बट सिर्फ खुशागरा के डाउट आते हैं और किसी के नहीं आते. अदर्स आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम हिज डाउट्स. हो गया भाई? यस सर. Yes. Yes. Okay. Very good. Very good. Very good. If a circle passes through the point of intersection of coordinate axes with the lines this this, then the value of lambda is. Okay. ये क्या बोल रहा है कि ये हमारे एक्सिस हैं. इसमें ये एक मेरी लाइन है. ये लाइन कौन सी है? लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस वन इज जीरो. ठीक है, ये एक और मेरी लाइन यहां पर आ गई टिंग. ये लाइन कौन सी है? एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री इज जीरो. ठीक है यहाँ तक? यस सर. क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं ना हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसके टर्म्स में आएगा. क्या चीज? लैम्डा से मल्टीप्लाई. लैम्डा की टर्म्स में आने दो. तो अगर हम यहाँ पर वाई को जीरो डाल रहे हैं तो आपका एक्स कितना आ रहा है? एक्स आ रहा है माइनस वन बाई लैम्डा, है ना. तो ये वाली टर्म्स हो जाएगी माइनस वन बाय लैम्डा कॉमा जीरो. यही होगा ना? यस सर. और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ पर आप एक्स को जीरो डालेंगे तो वाई जब वन हो जाएगा. तो दिस इज जीरो कॉमा वन. ऐसे ये वाली टर्म निकाल लें आप. सो दिस इज टू y को जीरो डालेंगे x माइनस थ्री आ जाएगा. ये माइनस थ्री कॉमा जीरो है ना. और यहाँ पर y को x को जीरो डालेंगे ये थ्री बाई टू हो जाएगा. तो जीरो कॉमा थ्री बाई टू. ठीक है जी? यस सर. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब एक बात समझें आप कि अगर मुझे तीन पॉइंट गिवन है बेटा तो तीन पॉइंट से एक और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है. एग्रीड ऑन दिस? यस सर. यस सर. तो आपको लैम्डा की वो वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि ये लैम्डा वाला पॉइंट भी जो है उस सर्कल से पास करे. तो यहां से आप जो है यू आर एबल टू ड्रॉ अ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ऑल द फोर पॉइंट्स. तो लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें सर्कल जो है इन चारों पॉइंट से पास करेगा? ठीक है सर. अगर सर्कल, हाँ जी सर, बट वो तो बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास. अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ. हाँ मैं भी यही कंफ्यूज हुआ था बेटा. सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद दीज लाइंस. मतलब? मतलब कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस जो है, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन एंड विद दिस लाइन. तो ये जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. अच्छा ओके सर. ठीक है, वो कह रहा है कि इस लाइन का कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो आएंगे और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो भी दो आएंगे. इन चारों पॉइंट से एक सर्कल पास हो सके तो उसके अकॉर्डिंग आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है. लैम्डा की वैल्यू क्या हो ताकि एक सर्कल उसे पास हो सके. अगर कोई सर्कल पास होगा तो वो सर्कल जो है डेफिनेटली इट विल फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल, है ना. वो सर्कल की प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो हो जाएंगी. अगर आपको याद हो कि सर्कल में हमने किया हुआ है 10th क्लास में, दिस इज पी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी सी डी इज इनटू पी डी. ठीक है,
और इट गोज कि इफ यू हैव गॉट फोर पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस देन दोज फोर पॉइंट विल डेफिनेटली लाई ऑन द सर्कल. अब यहाँ पर आपका पी क्या है अगर आप देखेंगे तो ये है ना लाइन आपकी, ये आपका पी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है पी ए इंटू पी बी इज पी सी इंटू पी डी तो वो एक सर्कल बन जाएगा. पी ए कितना है माइनस वन बाय लैम्डा, पी बी कितना है माइनस थ्री, पी सी कितना है थ्री बाय टू, पी डी कितना है वन. सॉल्व कर लें तो लैम्डा कितना आ गया वन बाय टू, नहीं सॉरी लैम्डा इज टू. यस सर. नहीं आया समझ में तो मैं दोबारा बता देता हूँ. सर आएगा, आ गया ना. यस सर. दिमाग थोड़ा ज्यादा लग रहा है मैं मानता हूँ, बट विद इन द स्कोप ऑफ 10th 11th है ना, कोई बहुत यूनिक चीज अलग से हटके नहीं आ रही है. That's what demands practice. जितना practice करेंगे उतने टेढ़े-मेढ़े questions जो है, you will come across. Okay. Next one. ये तो देखने में ही बकवास लग रहा है. ऐसा करते हैं parabola पे आ जाते हैं. Okay. ठीक है. इसमें पीएनसी के भी दो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, डोंट वरी. पीएनसी ले लेते हैं एक बार, फिर बाइनोमियल पे उस पे आ जाते हैं. नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन सिट अराउंड द टेबल सो दैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर्स इन एनी टू अरेंजमेंट. सर्कुलर परमुटेशन का ये तो बकवास दिया हुआ है इसने. सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट क्वेश्चन सिंपल है. नंबर ऑफ वेज, अच्छा हाँ नहीं नहीं ये चीज भी यूज हो जाएगी. नंबर ऑफ वेज इन विच 7 पर्सन कैन सिट अराउंड द टेबल, इसका आंसर बताएं मुझे फटाफट. सर सिक्स फैक्टोरियल. ठीक है. सो दैट ऑल शैल नॉट हैव सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट, तो मतलब वो जो 7 लोग आपके ऐसे बैठे थे ए बी सी डी ई एफ जी है ना, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये थी कि ए बी सी डी ई एफ जी ये हमारी उसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. जस्ट वन मिनट. हेलो हाँ जी बेटा. ये तो सिंपल था 6 factorial by 2. ठीक है सर, समझ नहीं आया 7 नंबर वाला. भाई ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गई. अगर टेबल के अराउंड बात करते हैं तो ये अरेंजमेंट भी वैलिड है, इजंट इट? यस सर. डिफरेंट अरेंजमेंट काउंट होंगी, बट यहाँ बोल रहा है ऑल शैल नॉट हैव द सेम नेबर इन एनी टू अरेंजमेंट. अच्छा, तो दोनों अरेंजमेंट में ए के नेबर जो है वो बी एन जी है और यहाँ पर भी बी एन जी है. यस सर. हर एक के सेम सेम नेबर्स आ रहे हैं तो इसीलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया है. ओके सर, ओके. मुझे भाई चीज समझ में नहीं आई थी.
हाँ बस इसने वहीं पर कैच किया छोटा था। एंड हाउ मेनी वेस्ट 20 आइडेंटिकल टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर चिल्ड्रन सो दैट ईच वन गेट्स एटलीस्ट 3 टॉयज। ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैराबोला करते हैं। हाँ जी इन हाउ मेनी वेज 20 आइडेंटिकल टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन सो दैट ईच वन गेट एटलीस्ट 3 टॉयज। 20 आइडेंटिकल टॉयज हैं, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, है ना। वो 4 लोग कौन से होंगे, ए बी सी एंड डी। ठीक है हर एक को कम से कम 3 टॉयज तो देने ही हमें। Yes, तो भाई बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, तो पहले सबको 3-3 टॉयज दे दो। जब सबको 3-3 टॉयज दे दिए तो आपने 12 टॉयज यू हैव ऑलरेडी गिवन, कोई ऑप्शन ही नहीं थी आपके पास। अब आपके पास जो 8 टॉयज बचे हैं वो आप अपने हिसाब से दोगे, है ना। आपको जो सबसे क्यूटी क्यूटी किड लग रहा है उसको ज्यादा टॉयज दे दोगे आप। तो बेसिकली इट गोज की ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 8। इसकी कितने सॉल्यूशंस होंगे, है ना, कितने सॉल्यूशंस आए थे मैंने आपको इसके। ये गॉट 8 11 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। हां जी 8 वंस आर देयर, 3 प्लस साइंस आर देयर, सो इट इज 11 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। मेथड दोबारा बता सकते हो आप, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर x y z जो है दे आर होल नंबर्स, है ना। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन फॉर दिस विल बी सेम एज परम्यूटेशन ऑफ 2 प्लस साइन एंड 6 वंस। इसका जो एक परम्यूटेशन है दैट इज 0 + 0 + 8। परम्यूटेशन कुछ और करेंगे दिस मींस, है ना, देखो 1 + 1 + 1, है ना, 1 और प्लस साइन का परम्यूटेशन देख रहे हैं हम। हर परम्यूटेशन पे एक डिफरेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ पर रिजल्ट आया है x 1 है, y 4 है, z 1 है, और इसका जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है दैट इज परम्यूटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स वेयर 2 आर ऑफ वन काइंड 6 आर ऑफ अनदर काइंड। आंसर इज 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। ओके सर, ओके सर, चलो पीएनसी वाले इसमें हो गए हैं डाउट। नेक्स्ट क्लास में सर्कल के डाउट्स थोड़े और लेंगे और उसके बाद फिर हम थोड़े से और जो डाउट्स बचे हैं इसमें। ओके सर, आज क्लास कब तक है देखते हैं अभी। ओके सर, ओके आप ठीक है। ये हमने एलिप्स सुनाया था बेटा, है ना, अगर इस एलिप्स की एलिप्सिटी अगर हम कम करेंगे तो इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, सर्कल। एलिप्स की एलिप्सिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो ये और इलोंगेट हो जाएगा, बट ये तो हमें पता है कि एलिप्स की एलिप्सिटी जो है वो एक्लिप्सिटी है, हाँ एक्लिप्सिटी जो है दैट इज लेस देन 1। ठीक है, तो अगर ये एक्सेंट्रिसिटी जो है थोड़ा सा और 1 के पास ले जाए, है ना, इस एक्सेंट्रिसिटी को थोड़ा और इंक्रीज कर दूं तो ये ऐसा बन जाएगा। यहां पर एक्सेंट्रिसिटी 9 हो गई, एक्सेंट्रिसिटी को अगर मैं और इंक्रीज करूंगा 9.99 तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना।
अगर मैंने एक्सेंट्रिसिटी जो है बेटा वो मैं अगर वन कर रहा हूं तो वन के केस में क्या होगा, वन के केस में ये जो आपका एलिप्स है ये एलिप्स वापस नहीं मुड़ेगा कभी भी, क्योंकि जहां ये वापस मुड़ा तो वहां पर ये जो है वो कर्व बैक कर जाएगा और ये एक्सेंट्रिसिटी जो है वो वन से कम कहलाएगी। एक्सेंट्रिसिटी वन का क्या मतलब हुआ कि वो कभी भी वापस टर्न बैक नहीं कर रहा है। तो जहां पर आप एलिप्स बना रहे हैं विद एक्सेंट्रिसिटी एज वन, देन बेसिकली यू आर मेकिंग इनफाइनाइट साइज का आप एलिप्स बना रहे हैं और वो इनफाइनाइट साइज का एलिप्स जो है वो कभी भी टर्न बैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो इनफाइनाइट साइज का एलिप्स है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी वन होती है, इस एलिप्स को हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो पैराबोला इज वेरी मच सेम एज एलिप्स, ओनली थिंग इज कि वो टर्न बैक नहीं कर रहा है और वो इनफाइनाइट साइज पे जा रहा है, तो शेप को फिर हम पैराबोला बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया थोड़ा इसमें? यस सर। यस, तो यहाँ पर ना मैं आपको पहले एक छोटा सा डाटा लिखवा देता हूँ, वो डाटा कॉपी कर लें, वो इम्पोर्टेंट है। आपकी जो जनरल इक्वेशन है, ठीक है, फॉर कॉनिक सेक्शन फिगर्स, कॉनिक सेक्शन फिगर्स की जनरल इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस टू एच एक्स वाई। यूजली ये सी यहाँ पर गिवन होता है सबसे लास्ट में, बट मैं इसको थोड़ा पहले लिखता हूँ ताकि जो है चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटरमिनेंट देखा है, ठीक है, सेम वे में यहाँ पर जो आपका डिटरमिनेंट होगा विल कॉल इट एज डेल्टा। दिस डेल्टा इज गिवन बाय ए बी सी प्लस टू जी एफ और एफ जी एच माइनस, ठीक है। अब ये यहाँ पर सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है वो ये कि ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा, है ना। अभी आगे पता चलेगा इसका यूज क्या है। नंबर वन, दिस इज एफ एक्स वाई क्वेश्चन है, ये कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है बेटा। अब ये जो कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन है, ये कब सर्कल है, कब स्ट्रेट लाइन है, कब ये पैराबोला है, तो उससे रिलेटेड कंडीशंस हैं। ठीक है, तो पहला चीज है इफ डेल्टा इज जीरो, अगर डेल्टा जीरो है तो ये जो आपकी इक्वेशन है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सेकेंड इज इफ डेल्टा इज नॉट जीरो, अगर डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये आपका जो है कॉनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स रिप्रेजेंट्स कॉनिक सेक्शन। नाउ विद इन कॉनिक सेक्शन यू विल सी इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड एच इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपका सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इफ एच इज लेस देन ए बी, अब यहां पर एच जो है वो जीरो भी हो सकता है ना, इफ एच इज लेस देन ए बी देन दिस विल रिप्रेजेंट एलिप्स, एच नहीं है एच स्क्वायर है, एंड इफ एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी देन दिस सेम इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैराबोला, if h square is greater than ab this will represent hyperbola।
तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द कॉनिक सेक्शन फिगर, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये डेल्टा निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है कि कॉनिक सेक्शन की फिगर है। डेल्टा की जरूरत कब है? बहुत ही स्पेसिफिक केस में, जहां पर आपका कि वो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये आपका आईआईटी का पार्ट, मतलब कंपटीशन का पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये आपका सीबीएसई का पार्ट है। वो एबीसी प्लस टू एफजीएच लिखा, टू एफजीएच, हाँ जी, ओके सर। हाँ जी, डन, यस सर, ओके। ठीक है, अब देखो जब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट साइज के एलिप्स की, तो यूजुअल जो हम एलिप्स लेते हैं तो वो ओरिजिन पे ऐसे करके ले लेते हैं ना, फिर इसकी हम जनरल इक्वेशन जब बना लेते हैं तो वो जनरल इक्वेशन हमारे पास बहुत इजी सी अच्छे से आ जाती है। बट अगर हम पैराबोला की बात करेंगे, इनफाइनाइट साइज एलिप्स की बात करेंगे, तो इनफाइनाइट साइज एलिप्स में इसको मतलब इनफाइनाइट साइज करेंगे तो ये तो इन्फिनिटी पे चला गया, ये भी इन्फिनिटी पे चला गया, इक्वेशन क्या बनेगी? कुछ भी नहीं बनेगी फिर तो, ठीक है। तो हम ये जो ओरिजिन है इनफाइनाइट साइज एलिप्स के लिए या पैराबोला के लिए, इस ओरिजिन को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन हम बनाते हैं कि भाई जो इनफाइनाइट साइज जो पैराबोला है, तो पैराबोला को वी टेक इट कि इट्स पासिंग, इसका जो आपका जो वर्टेक्स है दैट इज एट ओरिजिन, और ये आपका पैराबोला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक फोकस भी होगा आपका, ठीक है। तो ये एबीसी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर हम फोकस को जो है वी टेक इट एज ए कॉमा जीरो, फोकस इज ए कॉमा जीरो। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स की बात करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ मैं बेटा यहाँ पर सिर्फ, है ना, तो वर्टेक्स इज जीरो कॉमा जीरो। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूंगा, ठीक है, तो हमें ये तो पता ही है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस कैसे होंगे? रेशो कांस्टेंट रहेगी, रेशो कांस्टेंट होगी, साथ में क्या होगी वो रेशो, क्योंकि पैराबोला है तो एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, और पैराबोला कब होता है? व्हेन ई इज इक्वल टू वन, है ना,
आपने लिखा था ना सर्कल के केस में e इज जीरो, एलिप्स के केस में दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, पैराबोला के केस में e इज इक्वल्स टू वन, हाइपरबोला में e इज ग्रेटर देन वन. सर एस पी और पी एम इक्वल हो जाएंगे. तो एस पी और पी एम इक्वल हो जाएंगे. एस पी इज इक्वल टू पी एम. मुझे बताओगे डायरेक्टरिक्स की इक्वेशन क्या होगी? सोचो थोड़ा सा. सर एक्स इज इक्वल टू ए. इम्प्रेसिव. कैसे आया? सर एक्स इज इक्वल टू ए ही होता है, मतलब सर प्लस माइनस नहीं, सर ए ही होगा सर. वो x is equal to a upon ही होता है, a बना तो सर. तो यहाँ पर आप ये जो p है ना, इस p को आप यहाँ शिफ्ट कर लो. तो sp तो a है ही हमारा, is equals to pm, तो pm भी a हो गया है ना. और yes. ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है that is equals to x is equals to minus a. और अदरवाइज आप सोचो तो पैराबोला जो है वो एक एलिप्स ही तो है, सिर्फ इनफाइनाइट साइज का एलिप्स है. पैराबोला एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, और इस केस में ई वन है तो x इक्वल्स टू माइनस ए. डायरेक्ट्रिक्स होता है एक ही होगा, दूसरा डायरेक्ट्रिक्स भी होता है बट वो इन्फिनिटी पर होता है तो इसलिए नहीं होता. अच्छा ओके सर. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कौन सा बन गया? लोकस का. फाइंड लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम गिवन डायरेक्ट्रिक्स, गिवन लाइन. ठीक है, ग्रीन लाइन को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस ग्रीन लाइन इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from given point and from given line. Given point से distance, तो इस P को हम क्या assume करेंगे? H, K, हमने बात की थी ना, उन सब points को हम H, K assume कर लेते हैं. तो H, K का जो distance है S से, that is how much? H minus A का square plus K का square. This is equals to डिस्टेंस ऑफ एच कोमा के फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स. तो डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, ये इक्वेशन क्या है? दिस इज एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो. तो ये आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा? वाई तो जीरो ही है, तो दिस विल बिकम एच प्लस ए रूट वन और वन. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, एच माइनस ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज एच स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 2ha. So this is h square plus a square minus 2ha plus k square is h square plus a square plus 2ha. तो ये हमारे कैंसिल हो गए हैं. k square is 4ha. k क्या है भाई बताओ? एब्सिसा या ऑर्डिनेट? ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट. And h is एब्सिसा. So 4ax. This is the general equation of parabola with vertex at origin and focus at a comma 0. डेरिवेशन का स्टार्टिंग का बता दोगे? मेरा नेट थोड़ा चला गया था. स्टार्टिंग का पैराबोला इज व्हाट? पैराबोला इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स. पैराबोला क्या है? वो सारे पॉइंट जो डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस से इक्विडिस्टेंट होंगे. For example, this point,
then comes this point, then is this point, this point. ये सारे पॉइंट कौन से हैं जो कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस इक्वल है. इन सब पॉइंट्स की कॉम्बिनेशन को हम पैराबोला बोलते हैं. डेफिनेशन क्लियर है पैराबोला की? एलिप्स की दो थी, पैराबोला की एक ही डेफिनेशन है. ठीक है, अब इन जनरल में यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया पैराबोला में एच कॉमा की, तो बाय डेफिनेशन दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस हैव टू बी इक्वल. उसी को मैंने यहाँ इक्वेट किया. ओके सर. सर अगर y एक्सिस के लॉन्ग हुआ तो x आ जाएगा, उसके बाद ही जाता है y की x. हाँ जी, अगर ये y एक्सिस के लॉन्ग होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाएगा वो. ओके. तो पैराबोला में कुछ है एक्स्ट्रा? नहीं, एक बार एलिप्स आ गया तो ये पैराबोला हाइपरबोला कुछ नहीं है. हाइपरबोला बस एक लॉजिकली समझने वाली बात है कि ये होता क्या है हाइपरबोला. ठीक है, वो लॉजिकली समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर. ओके सर. सर हो गया. हो गया. अब यहाँ पर भी डिराइव कर लेते हैं. ठीक है, डेरिवेशन किसकी कर रहे हैं हम? लेटस रेक्टम. लेटस रेक्टम इज डिस्टेंस. ठीक है, कैसे निकालेंगे लेटेस्ट रेक्टम की हाइट? एनीवन सोचो, बहुत इंटरेस्टिंग है. स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको गिवन है और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लेटेस्ट रेक्टम की हाइट क्या होगी? हेल्प करूं मैं कुछ? डिस्टेंस फॉर्मूला? ना ना, नहीं सर कुछ नहीं. पाइथागोरस. अगर मैं आपको, हाँ जी बोलो बेटा. पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग पाएगी. अगर मैं आपको बोलूं कि ये लैम्डा है, ये जो है लैम्डा छोड़ो, अगर इफ आई एम सेइंग दिस इज एम, ठीक है, तो लेटेस्ट एक्टम की हाइट क्या हो जाएगी? अगर ये एम है तो लेटेस्ट एक्टम कितना होगा? 2m हो जाएगा. 2m. तो मुझे सिर्फ m निकालना है. ठीक है, अब ये कितनी है लेंथ बताओ? a. a. ठीक है, अगर ये a है ये m है तो ये पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a कॉमा m. a कॉमा m. ये पॉइंट जो a कॉमा m है ये कहाँ लाई कर रहा है? पैराबोला पे. अगर ये पैराबोला पे लाई कर रहा है तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a into a, m is equals to 2a, है ना? और लेटेस्ट रेक्टम की
later sectum height is 2 times of 2a, that is 4a. ठीक है जी, यस सर होगा। ओके इसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट। एलिप्स में डिस्टेंस फ्रॉम फोकल पॉइंट क्या होता है बेटा? फोकस से डिस्टेंस। भूल गए? ये फोकस है किसी भी पॉइंट का, फोकस से जो डिस्टेंस है रो ए होता है। हाँ जी नहीं सर कुछ नहीं। क्या लिखा नहीं हुआ कहीं पर सर? ए यस सर। सर ए अच्छा a प्लस ये a माइनस ई एक्स हो जाएगा, हमने किया था ना। और ये डिस्टेंस, ये a प्लस ई एक्स हो जाएगा। yes, sir. Yes. और अगर हम पैराबोला की बात करेंगे तो पैराबोला में ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये तो नहीं, हम इस वाले पॉइंट से ले रहे हैं ना बेटा, ऐसा बना रहे हैं ना पैराबोला। ठीक है, तो ये आपका a कॉमा जीरो है, और मैं अगर इस डिस्टेंस की बात करूं यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज x कॉमा y विच इज लाइंग ऑन द पैराबोला, देन दिस लेंथ, दिस लेंथ इज a प्लस x। और थोड़ा सोचेंगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a माइनस x। ये वाली लेंथ जो है a प्लस x होगी, ये भी है ना। और x यहाँ पर कितना होगा इस लेंथ के लिए जो लेटेस्ट सेक्टम में e, तो दिस लेंथ बिकम्स 2a एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बिकम्स 4a। समझ में आ रहा है? दोबारा बताना भाई। मैंने आपको एक जनरल फॉर्मूला किसका बताया? फोकस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, यही बताया मैंने। यस यस सर। तो फोकस से, फोकस के जस्ट ऊपर जो पॉइंट है उसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं तो वो भी तो a प्लस एक्स ही होगा। यस सर। अब यहाँ पर लेकिन x डिफाइंड है हमारा, ऑलरेडी पता है हमें, है ना, x कितना है, दिस इज व्हाट इज x इज सर, a a है, तो a प्लस x कितना हो जाएगा? 2a। 2a, तो हाफ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम इज 2a, फुल लेटेस्ट सेक्टम इज 4a। ओके सर। सर ये a प्लस x कैसे आया?
अच्छा जी, ए प्लस एक्स हम ऐसे भी देख लेते हैं, मान लो ये बेटा आपका पॉइंट है एस, ये पॉइंट है एम, तो एस एम इज डिस्टेंस है ना फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन पैराबोला फ्रॉम फोकस, तो एस एम किसके इक्वल होगा, रूट ऑफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना? Yes. तो एस एम किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, और वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जनरल इक्वेशन देखेंगे तो वाई स्क्वायर इज फोर ए एक्स, तो प्लस फोर ए एक्स, तो एस एम इज रूट ऑफ एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एस एम इज एक्स प्लस ए, ठीक है, यहाँ पर एक्स इज मोर देन जीरो, ए इज मोर देन जीरो, और नहीं तो फिर मॉडुलस ले लो आप। और ये कॉनिक सेक्शन चैप्टर ऐसा है, फॉर्मूलाज ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब थोड़े से फॉर्मूलाज हैं, इंटरलिंक्ड है, बट साथ में रिवीजन करते रहे ना, रिवीजन नहीं करेंगे तो वॉश आउट हो जाएगा, फिर वापस ब्लैंक से शुरू करना पड़ेगा हर बार। चलो जी, क्वेश्चन लेते हैं। y square is equals to 4x, ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, है ना, क्योंकि पैराबोला की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है y square is equals to 4ax को। इससे कंपेयर करेंगे तो आपके पास a कितना आ गया बेटा, 1 अगर a 1 आ गया तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की, पहले फोकस, फोकस इज 1,0, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और क्या इंफॉर्मेशन है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, ठीक है, दैट्स इट। अगर मैंने आपको इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ माइनस 4y, एग्रीड, यस सर, तो फोकस बताओ क्या होगा, 0,-4, यस सर, 0,-4, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 16, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, हाँ 4a, मतलब उसको मॉडुलस ऑफ 4a ले लें, है ना, सो दैट इज 16। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes sir. Yes sir. No, I hope you must be finding it. This is more easier than ellipse. Yes sir. Yes sir. और hyperbola भी बहुत interesting है, ठीक है, देखेंगे उसे। संडे को क्लास हो गई? संडे को मैंने डाला है शेड्यूल में, रात में टेस्ट रखा था, लेकिन टेस्ट तो फिर बाद में होगा ना। ओके, तो
आई एम नॉट वेरी श्योर, बट नेक्स्ट वीक वैसे हम एक्स्ट्रा क्लास और रख लेंगे, ड्यूरेशन ही बढ़ा लेंगे हम, है ना, क्योंकि मेरे टेंथ के जो एग्जाम चल रहे हैं, तो वी कैन कीप सम एक्स्ट्रा क्लास टू कवर. ओके ओके. संडे को बहुत सारा लोचा रहता है यार, आफ्टरनून में किसी की क्लासेस होती हैं, संडे को फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास है. हाँ जी हाँ जी, ठीक है. फिजिक्स में चैप्टर 14-15 जो है तो वो अनुज सर लेंगे, एंड मॉर्निंग में 10:30 to 12. कौन? अनुज सर है, तो इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी, तो ही विल बी टेकिंग चैप्टर 14 and 15. आई फाउंड कि पंकज सर भी लेंगे, ठीक है, बट थिंग इज उनका थोड़ा सा स्लो. सर वो मैंने उनसे पूछा था, सर मैंने उनसे पूछा था कि मतलब 3 महीने में आप ये बुक कैसे कंप्लीट कर दूं, तो उन्होंने बोला अभी तो मैंने कराया वो सब, मैंने बहुत ज्यादा मतलब स्लो कराया, अच्छा कराया, क्योंकि मतलब आप सबका एप्लीकेशन आएगा सर, तो वो कह रहे थे ग्रेविटेशन भी 3 क्लास में खत्म कर देंगे सर, तो अब वो थोड़ा जल्दी करेंगे सर, वो कह रहे थे. ओके सर, अब एप्लीकेशन आएगा सर. होता भी ये है कि जो पहली बुक है ना वो ऐसा नहीं है 50% ऑफ सिलेबस है, फर्स्ट बुक इज 70% ऑफ द सिलेबस, ठीक है, और सेकेंड बुक इज लेस, बट स्टिल एनी वे आई विल गेट दिस, है ना, चैप्टर 14 एंड 15 जो है वो मैं सेपरेटली आई विल गेट इट कंडक्टेड. 14-15 कौन सा है? लास्ट में है, वेव्स ऑसिलेशन. अच्छा ओके सर, तो वो जो सर कराएंगे वो जे का भी कराएंगे? वो सीबीएसई का कराएंगे, बट आप जेई के क्वेश्चंस अगर देंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे वो सारे क्वेश्चन. अच्छा ओके सर. बहुत डिफरेंस नहीं है वेव्स ऑसिलेशन वगैरह में, जो है बहुत डिफरेंस नहीं है फ्रॉम जेई. ओके सर, ठीक है. ओके, एसएचएम हो गया आप लोगों का, सिंपल हार्मोनिक मोशन? नो सर, वो करेंगे. अगर वो नहीं हुआ है तो फिर वेव ऑसिलेशन में थोड़ा इशू आएगा. चलो लेट मी आस्क हिम, है ना. ओके, तो ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड इक्वेशन ली थी. इक्वेशन अगर आपकी आ जाती है बेटा, लेट्स टेक 4y² + 12x - 20y + 67 = 0, है ना. इसको आप किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे? यू विल कन्वर्ट इट इन टू फॉर्म ऑफ y - k² = 4 times a × x - h, है ना. इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे. तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं इसमें. तो दिस इज 4 से डिवाइड, 4 कॉमन निकाल लेंगे. हाँ, 4 से डिवाइड ही कर देते हैं. ठीक है, सो दिस इज y² - 5y = -3x - 67/4. ठीक है, इस 5y को हम कैसे लिखेंगे? 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं. सो 2 × 5/2y. चेक करें यहाँ तक क्लियर है? यस सर. पर 5/2 का स्क्वायर प्लस और माइनस कर दूंगा. हाँ जी, तो 25/4 मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी हो गई y - 5/2 का स्क्वायर. So this is equals to -3x - 42/4. So which is 21. So this is यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, so this is -3 and x + 7/2. ठीक है, बट हमें तो यहाँ प्रोडक्ट में क्या चाहिए? 4 × something चाहिए ना. तो ये क्या हो जाएगा? 4 × -3/4 x + 7/2. चेक कर लो एक बार, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Yes,
ठीक है जी, डन डन। तो यहाँ से फिर फटाफट हम बना लेते हैं। तो आप बताएं सेंटर क्या होगा हमारा, वर्टेक्स नॉट सेंटर है ना, 0.5/2 देख लो एक बार। क्लियर है ना? यस सर। फोकस क्या होगा? -3/4 वैसे तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? -3/4, 0 ये फोकस होना चाहिए। yes, है ना? बट अगर आपका सेंटर 0, 0 से यहाँ पर पहुंच गया है तो फोकस भी तो शिफ्ट होगा। आप समझो yes. इस चीज को, है ना? आपका ये आपका पैराबोला था तो -7/2, 5/2 आपने ये जो पूरा पैराबोला है इसका सेंटर यहाँ पर शिफ्ट किया, तो बेसिकली पूरा का पूरा पैराबोला और इंक्लूडिंग द फोकस विल शिफ्ट हियर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यू विल ऐड दिस, है ना? सो दिस फोकस विल बी -3/4, -7/2, 5/2 सो फोकस इज -17/4, 5/2 दिस इज द फोकस। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या होती है भाई? x = -a बट यहाँ x की जगह पर क्या डालेंगे हम? x+7/2 -a which is 3/4 तो x = 3/4 - 14/4 x = -11/4 ठीक है, सिर्फ प्लस माइनस साइन का थोड़ा सा लोचा है। yes, sir. स्कूल के हिसाब से तो कॉन्वर्सेशन बहुत इजी है। हाँ जी सर, एलिप्स के एनसीईआरटी तो सर इतनी ज्यादा इजी थी। हाँ सिर्फ बेसिक्स है। यस सर। बट कॉन्सेप्चुअली बस एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, मतलब ना सिर्फ रटने का मजा नहीं है, काम सिर्फ रटने वाला है, बट थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अब क्या रह गया इसमें? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम रह गई, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है? 4a, तो 4 × 3/4 तो 3 हो जाएगा बस, है ना? लेंथ में मैं मतलब ही नहीं है कि ये पैराबोला ओरिजिन पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। पर तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी, इक्वेशन निकालो या फिर वो निकालो। सर इक्वेशन निकालने को नहीं आते? हाँ इक्वेशन निकालने के लिए भी आएगा भाई। आपने एलिप्स के जो 4-5 क्वेश्चन भेजे थे वो कैसे थे? यही तो क्वेश्चन थे और क्या था? यस सर, इसमें भी भाई है। हाँ अब यहाँ पर इक्वेशन निकालने का मतलब क्या है? आपको फोकस गिवन होगा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, देख ले क्वेश्चन। यस सर। ये आपका जो है दिस आर नॉट, इसको हटा दो, है ना? ये आपका जो है एक्सिस है पैराबोला का, ये फोकस है -1, -2 और ये डायरेक्ट्रिक्स है, है ना? दिस डायरेक्ट्रिक्स इज x - 2y + 3। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। Question can also be find locus of all the points which are equidistant from this line and from this point. ठीक है, solve same find format पे होगा, और find the equation of parabola whose focus is this and directrix is x. ठीक है, compare आप यही कर रहे हैं, आप focus को s मानते हैं,
यहाँ पर कोई एक रेंडमली पॉइंट पी लिया है और ये आपने एम लिया है, तो आप कंपेयर किसको कर रहे हैं, एस पी इज इक्वल्स टू पी एम। तो यहाँ पर जो पी है उसको एच कॉमा के ले लें, नहीं तो एक्स कॉमा वाई भी ले सकते हैं। तो यू आर गेटिंग, स्क्वेयर कर दे दोनों साइड, तो एक्स प्लस वन का स्क्वेयर प्लस वाई प्लस टू का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू वाई प्लस थ्री अपॉन रूट ऑफ वन स्क्वेयर प्लस टू स्क्वेयर का स्क्वेयर। दैट्स इट, इसको ओपन करके करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका। हाँ जी, समझ में इसी मेथड से हो जाएगा सारे क्वेश्चन। हाँ जी, जितना मैंने बता दिया बस उतना ही है, उससे फालतू कुछ भी नहीं है। अब यह कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। ओके सर, ठीक है। कल क्लास है या नहीं है कल? सर आपने रख तो रखी थी, रखी हुई है ना कल की क्लास? यस सर। तो ठीक है, बस कल इसको पैराबोला को कंप्लीट करेंगे। हाइपरबोला आई विल इंट्रोड्यूस, ठीक है। लॉजिकली क्या होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला इज एलिप्स को आप उल्टा खोल रहे हैं तो आपको हाइपरबोला मिल जाएगा। एलिप्स से कंपेयर करके चलेंगे तो पैरा हाइपरबोला याद करना आसान होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल सा वैसे बताऊं, ये आपका बेटा हाइपरबोला है ना, ये हाइपरबोला है, ठीक है। जो हाइपरबोला के आपके एक्सिस हैं जिनको ये अप्रोच कर रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट एक्सिस हैं, ये इनको टच नहीं करता, बस इनको अप्रोच कर रहा होता है हाइपरबोला। ये एक्सिस है, इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। और कौन से एलिप्स की इक्वेशन से, इस एलिप्स की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे जो इसके अंदर बनेगा। आप समझ रहे हैं, एक फिगर जो है रेक्टेंगल के अंदर बन रही है इन फॉर्म ऑफ एलिप्स, और उसी फिगर को कुछ नहीं होता, वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट्स को उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो फिगर रेक्टेंगल के बाहर बन जाएगी। थोड़ा लॉजिकली समझ में आ रहा है, मतलब एलिप्स और हाइपरबोला कैसे लिंक्ड है आपस में, ठीक है। एनीवे कल डिस्कस करेंगे अच्छे से, कल पैराबोला के क्वेश्चन करेंगे पहले, और दैट विल टेक अबाउट 20-25 मिनट्स। फिर हाइपरबोला का लॉजिक्स बेसिक समझेंगे, उसके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, और फिर दो चार क्वेश्चन डाउट्स के ले लेंगे। ओके सर, एग्जांपलर करने उसके पैराबोला के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी एग्जांपलर आप क्वेश्चंस करें पैराबोला के। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय बाय।